बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड रन लाया आज आपके लिए चीज़ी पोटैटो ब्रेड रोल, जो आपको रमज़ान में इफ्तारी के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। तो चलें हम इसके सॉस बनाएंगे। सबसे पहले सॉस बनाने के लिए जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें हम 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें सॉस, और मायनीज लेंगे 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून लेंगे, और साथ में भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है वो 1 पिंच के करीब डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। नमक भी कम डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक पहले से होता है। काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून है, और साथ में हम चिली का सॉस इस्तेमाल कर लेंगे इसके साथ थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून हम कटी हुई प्याज, कटी हुई जो चॉप प्याज मैंने थोड़ी सी रखी है, इसको मिक्स करके हम एक सॉस बना लेंगे। ये सॉस हमारे लिए जब हम बना लेंगे अपने पोटैटो रोल तो उसमें काम आएगा डिप करने के लिए। 3 बड़े साइज़ के आलू लेके बॉईल करके इसको मैश करके रखा है। 1.5 टेबल स्पून हम नमक शामिल करेंगे, नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें। 1.5 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके इसके साथ, और ज़ीरा धनिया पाउडर है इसको 1 टी स्पून वो डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हम वो भी ऐड करेंगे। एक अनियन है वो चॉप की हुई है, उसको मिक्स करेंगे इसके साथ, और मिक्स करके तमाम चीज़ों को, हरी मिर्चें भी डालेंगे कि थोड़ी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक मिर्चें ऐड करें क्योंकि कुटी हुई मिर्चें भी इसमें ऐड हैं। साथ में मायनीज 1 टेबल स्पून डाल के इसके साथ चीज़ क्रश करके ऐड करेंगे, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। थोड़ा हरा धनिया को भी पत्तियाँ उसके अंदर शामिल कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में करके रख देंगे। ये हमारा बैटर तकरीबन तैयार हो गया, और इसमें अगर आपको मसाले कुछ कम ज़्यादा हो तो आप उसमें एडजस्ट कर लें। अब हम इसका घोल तैयार करेंगे मैदे का। मैदा लेके इसमें नमक की थोड़ी सी 2 पिंच नमक ऐड करेंगे, और उसको पानी में घोल के रख लेंगे। इसके साथ हम रोल जो डिप करके फ्राई करेंगे, आप इसके अपने हिसाब से कर लें। पहले ब्रेड के हम साइड कट करके अलग करेंगे, ब्रेड के साइड कट करके अलग करने के बाद हम एक साथ फिर ये साइड्स हमारे हम ज़ाया नहीं करेंगे, एक साइड में रख के हम इसके बाद में इसके ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे। अब हम अपना रोल तैयार करते हैं। थोड़ा सा बैटर हमने अपने स्लाइस पे डाला है, और उसके साथ थोड़ी चीज़ भी ऐड की है। ये चीज़ बच्चों, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होता है बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप बना लें और तैयार करके रखें। सारे रोल हम एक साथ बना के रखेंगे, और थोड़ा सा हम जो घोल हमने रखा है उसमें हम डिप करेंगे सारे रोल, और तैयार करके फिर एक साइड में रख लेंगे। आप इफ्तारी के लिए बना रहे हैं तो पहले से तैयार करके रख लें, और अपने टाइम पे इसको फ्राई कर लें। सारे रोल हम फिर आप ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लपेट के रखेंगे ताकि चारों तरफ से इसको ब्रेड क्रम्स लगा हुआ रहे, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसी तरीके से बनाएंगे, यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। अब हम फ्राई करते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे इसको, ये अच्छा से अंदर से सिक जाएंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम डालें, हम थोड़ा सा हम इसको फ्लिप करके नीचे से भी इसकी साइड सेक लेंगे, दोनों साइड अच्छी तरीके से सिक जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमारे तकरीबन सिक गए हैं, देखें ब्राउन आ गए, साइड इसके दोनों तरफ से ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल के डिश आउट करते हैं। पहले हम इसको पेपर पे निकालेंगे, टिश्यू पेपर पे, और इसको थोड़ा सा इसका ऑयल इसके निकल जाएगा इसके साथ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जो हमने सॉस बनाया है इसके साथ आप इसको खाइएगा, बहुत मज़ेदार सॉस भी अच्छा बनता है, और ये रोल भी अच्छे बनेंगे। इसको तोड़ के देखें कितना अच्छा बना है, अंदर से भी बहुत प्यारा लगता है, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई करके कमेंट्स करें। मज़ीद वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें, सब्सक्राइब के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।